सर आपका आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू, थैंक्स। तो चलो देखो, यस अभी आएगा। तो मैं बता रहा था कि प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। मतलब आप करते क्या हो यहाँ पे, इधर जहाँ पे आपका x है उस x को हटा के आप जो है x के बदले में a माइनस एक्स लिख सकते हो, तो भी इंटीग्रेंट सेम रहेगा, राइट। इट इज दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूज कब करते हैं, यहाँ पे लिख के रखो, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट पाई बाई टू है, याद रखना ये प्रॉपर्टी 99% काम करेगी, ठीक है। सो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक tan x वाला सम है, वो तो यूनिवर्सल मतलब वन एंड ओनली सम है, तो उस सम में पाई बाई फोर है अपर लिमिट, फिर भी प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो मैं बता रहा था यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ x के बदले में लिखूंगा a माइनस एक्स। मेरा इस क्वेश्चन का a है पाई बाई टू, a इज हाउ मच, a इज पाई बाई टू, तो मैं लिखूंगा log ऑफ साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू सॉरी a पाई बाई फोर हो गई, तो ये जो है ये है पाई बाई टू माइनस एक्स, अपर लिमिट भरते हैं। ये सबको समझा क्या, पहले बोलो प्रॉपर्टी फोर कैसे यूज करते हैं, ये समझा क्या। इसको यूज करने से ये लॉग ऑफ साइन एक्स जो था ये लॉग ऑफ कॉस एक्स बन गया, ये बात आई समझ में, यस और नो सर? थोड़ा बड़ा लिखो ना, थोड़ा बड़ा लिखूं? ओके फाइन, अभी जो लिखा है ये दिख रहा है या इसको डिलीट करो? नहीं सर दिख रहा है ये, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखो। यस श्योर श्योर बड़ा करता हूँ, तो नहीं अगर दिखना दिख नहीं रहा तो बोलो, मैं पहले स्टेप से डबल लिखता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, फर्स्ट और सेकेंड जो है इसको ऐड करेंगे, LHS में आएगा I प्लस आई, RHS में होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ऑफ log of sin x dx प्लस ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ log of cos x dx फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है ना। देखो अगर इंटीग्रेंट के लिमिट्स दोनों के सेम होंगे, तो जैसे यहाँ पे जीरो टू पाई बाई टू है, अगर लिमिट्स सेम है तो हम इंटीग्रेंट को ऐड कर सकते हैं, सो वी कैन गेट हियर log of sin x प्लस log of cos x dx, ठीक है। ये तभी होता है जब इनके लिमिट सेम हो। सो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ऑफ log of sin x cos x, log of sin x cos x। आई थिंक मैं हैंड राइटिंग अभी भी छोटा ही कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल इंप्रूव थोड़ा फिर से। यहाँ पे जो है हमने टू को एडजस्ट करना है, वी हैव टू एडजस्ट टू, मतलब ये ऊपर रहेगा 2 sin x cos x और नीचे आ जाएगा 2। अब इसमें जो है आई विल, मैं LHS में है 2i, 2i इज इंटीग्रेशन ऑफ log of sin 2x अपॉन 2 होगा dx from 0 to pi by 2। देखो याद रखो यहाँ पे रीजन है, since 2 sin theta cos theta is a sin theta, sin 2 theta, right? So 2i is equal to integration from 0 to pi by 2 of log of sin 2x minus log of 2, क्योंकि log m upon n is a log of m minus log of n, so this one will come 2i is equals to integration from 0 to pi by 2 of log of sin 2x dx minus a log to the constant m, यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ द dx from 0 to pi by 2,
यहाँ पे कोई नहीं, मतलब वन है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, तो इधर वन का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, ये है log of sin 2x dx minus, वन का इंटीग्रेशन होगा x, इस पे लोअर एंड अपर लिमिट अप्लाई कर दो। मीनवाइल इस इंटीग्रेशन को मैं आई वन नाम देता हूँ ताकि लिखने को सिंपल हो जाए। दिस इज log 2 इंटू अपर लिमिट इज पाई बाई टू, लोअर लिमिट इज जीरो, सो 2i कम्स आई वन माइनस पाई बाई टू इंटू log 2. Let us call this as 3, और अभी है ना इस आई वन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? हेलो, अरे सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है क्या? सर वो आई वन ऐसे लिया है क्या? आई वन इसलिए ले लिया कि बार 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 सब लिखने का। आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है, समझा नहीं। आई वन मैंने इस इंटीग्रेशन को ले लिया है, दिस log of sin 2x जो है ना। हाँ सर, समझे। हाँ, log of sin 2x, इसका इंटीग्रेशन में सेपरेटली फाइंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे इंटीग्रेंड i से मैच करता है, बस यहाँ पे एंगल 2x है और मेरे इंटीग्रेंड में एंगल 1x है, तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि आई विल पुट हियर 2x is equal to t, therefore dx will be equals to dt upon 2. dx क्या होगा? dt upon 2 हो जाएगा। आपको याद होगा हम इसमें लिमिट्स भी चेंज करते हैं, सो एट द लोअर लिमिट व्हेन x इज 0 t इज ऑल्सो 0, एंड व्हेन x इज अ पाई बाई 2 t विल बी इक्वल्स टू पाई, x जब पाई बाई 2 है तब t पाई होगा। लेट अस गो फर्दर, आगे आप इसको देखोगे तो ये होगा आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई ऑफ लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी अपॉन टू, साइन टी इंटू डी टी अपॉन टू, मैंने डी एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। दिस वन अपॉन टू मैं बाहर लिख देता हूँ, सो आई वन होगा वन अपॉन टू टाइम्स लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin t इंटू dt फ्रॉम जीरो टू पाई। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल को फर्क नहीं पड़ता, सो मैं यहाँ पे t के बदले में x लिखता हूँ, जरा है ना x लिखने से मुझे अच्छा लगता है। सो मतलब जैसे हैबिचुअल है या फिर पहचान का लगता है, सो आई विल रिप्लेस द वेरिएबल हियर, टी को एक्स लिख देते हैं, सो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई। अब क्या हुआ, अब भी मेरे इंटीग्रेंड जैसे दिखता है, देखो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेंड है log ऑफ sin x, यहाँ पे मेरा इंटीग्रेंड है log ऑफ sin x, इस बार यहाँ पे लिमिट अलग है, यहाँ पे लिमिट था पाई बाई टू और यहाँ पे लिमिट है पाई। अब इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू ए इज टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। देखो इस अपर लिमिट को आधा बनाया जाता है, प्रोवाइडेड इसमें कंपल्शन, मतलब ये कब होता है, इफ एफ प्रॉपर्टी है क्या 2a minus x, जी f of 2a minus x is equal to f of x आता है, f of 2a minus x, अगर f of x जितना है तो ये 2 times ऐसा होता है, otherwise this integral comes 0 if f of 2a minus x dx, sorry, f of 2a minus x is a minus f of x, ये इन्हीं दो केसेस में ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अभी यहाँ पे इस केस में देखो हमारा 2a है पाई, ठीक है जी, f of x है, समझो sin x को ही सिर्फ मैं देखता हूँ, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो sin x के बदले में अगर मैं 2a minus x मतलब
sin pi minus x करता हूँ तो आपको याद है it comes sin x only. मतलब यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है f of 2a minus x is equal to f of x is satisfied by my this function sin x. ओके okay, इसलिए प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. इसको अप्लाई करने के बाद मेरा इंटीग्रैंड i1 रहेगा, मेरा इंटीग्रैंड i1 रहेगा 1 अपॉन 2 टाइम्स इनटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखो अपर लिमिट आधा होगा, अपर लिमिट होगा पाई अपॉन 2 और लॉग ऑफ sin x dx एज इट इज. आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes? Yes, sir. Property समझ में आ गई? Integration of f of x dx from 0 to 2a is 2 times integration of f of x from 0 to a. और ये तब यूज होती है जब f of 2a minus x is f of x हो. और यहाँ पे ये perfectly match कर रहा है कि sin pi minus x is sin x. तो मुझे क्या मिला? Half and one cancel, half and two cancel. I get i1 is i only. ये half और two cancel हो गए. तो ये जो है ये पूरा की पूरा आई है. यू कैन गो एंड सी इन इक्वेशन वन सिंस फ्रॉम वन. तो थ्री में पुट करते हैं. सो इक्वेशन थ्री जो है थ्री से हमें मिलेगा टू आई इज इक्वल टू आई वन मतलब आई इटसेल्फ माइनस फाइव बाई टू इंटू लॉग टू. ये टू आई आई में से आई को टू आई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू इंटू लॉग टू. ये बाहर का माइनस साइन हटाने के लिए मैं रेसिप्रोकल लूंगा टू का. रेसिप्रोकल ऑफ टू इज अ वन अपॉन टू. सो दिस विल बी माय आंसर. समझा अभी? हेलो. यस सर. अभी है किसी कोई जिसको समझा नहीं है? एनीबॉडी? यस. तो एक क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिकल समय इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, मतलब वन ऑफ द लेंथी एग्जांपल्स फ्रॉम चैप्टर इंटीग्रेशन. इसको एज अ सट्टा याद रख लो, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको लिख लिया? हाँ सर. हेलो. दो मिनट सर, दो मिनट. नहीं मतलब लिखने के लिए टाइम दे दो. Done. So, shall I start the new one? इसको change करूं? करो सर. सो नेक्स्ट अगला वाला है इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इसकी लिमिट दे आर सिमेट्रिक अबाउट द जीरो, मतलब लिमिट्स ऐसे है माइनस ए टू प्लस ए। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन और दिस विल बी जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके, प्रॉपर्टी समझ में आई? अभी यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ का एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है? तो आपके फंक्शन में एक्स के बदले में माइनस एक्स पुट कीजिए, माइनस एक्स पुट करने के बाद एक फंक्शन अगर एज इट इज रहा, जैसे यहाँ पे रह रहा है, दिस इज कमिंग एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग एफ ऑफ एक्स ओनली, तो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है? इज इवन फंक्शन, मतलब ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो आई विल से आई इज इक्वल्स टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टू है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी टू है, दोनों की डिग्री सेम है। एक तो डायरेक्ट डिविजन करो या फिर जुगाड़ एडजस्टमेंट करो। मैंने वन को प्लस और माइनस किया, एडजस्ट किया। अभी यहाँ के वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन, इनके साथ मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा, मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ऑफ वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो वन वन का तो इंटीग्रेशन हो गया एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर? यस, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फ्रॉम 0 टू 1। तो चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 और लोअर लिमिट पे आप देखोगे ये सब 0 बनता है। अब tan इनवर्स ऑफ 1 आप तो जानते हैं tan 45 डिग्री 1 होता है, सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज अ 45 डिग्री मींस पाई बाय 4, सो आप इसको 2 माइनस पाई बाय 2 एज अ फाइनल आंसर ले लेंगे। Understood this one? Yes, sir. Yes? Okay. चलो note it down. कबीर दिस वन, रुको सर। यस, तो shall I change the board? Yes, sir. जी
दो मिनट डिकाउंट एक मिनट लास्ट का बचा सर हाँ श्योर एक मिनट एक काम करता हूँ लास्ट का मतलब क्या यहाँ पे बचा था I is equal to 2 times integration of 1 minus 1 upon 1 plus x square dx from 0 to 1 yes इसके पहले का लिखा है तो आप तो इसके पे बोले हैं हाँ तो ये देखो यहाँ पे आ गए tan inverse x from 0 to 1 आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे नहीं होता है 1 minus tan inverse of 1 और लोअर लिमिट पे सब कुछ 0 होता है जी हाँ सर लिख दूंगा उसके आगे जी जी सो दिस कम्स 2 minus pi by 2 Next question के let I is equal to integration of x into sin x upon 1 plus sin x dx from 0 to pi. हेलो हाँ मैम फोन अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ फोन मेरे पास था मैं तंबोली सर बोल रहा हूँ जी सो यस प्लीज कंटिन्यू सो इन दिस क्वेश्चन ये जो एक्स है ना एक्स दिस एक्स ये इंडिकेट करता है कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 को यूज करना है प्रॉपर्टी 4 है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए ओके सो हमारा इंटीग्रेशन होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ pi minus x into sine pi minus x upon 1 plus sine pi minus x dx देखो हर जगह पे जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने a minus x मतलब pi minus x कर दिया this is integration from 0 to pi of pi minus x into sin pi minus x is sin x so a hoga sin x divided by 1 plus sin x ab dikhne mein aisa dikhega ki yaar hum ghum phir ke to wahi pe aa gaye idhar hi aa gaye wapas right but in fact aap dekho yaha pe change hua hai notice kiya aapne yaha pe pi minus x aaya hai to ab jaise maan lo a kuch is tarah se integration from 0 to pi of pi multiplied by sin x minus x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स और इनका जो डिनोमिनेटर है ना इसको भी मैं सेपरेट सेपरेट लिखता हूँ अपॉन वन प्लस साइन एक्स हियर अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स आपने इस अपने इस सेकेंड पार्ट को पहचाना हु इज दिस यस बोलो एक कौन है ब्रैकेट में हो इजंट इट योर इंटीग्रैंड आई यस सर यस पाई कांस्टेंट इसको हटाओ अंदर आएगा sin x अपॉन 1 plus sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई माइनस दिस इज इंटीग्रैंड आई ए आई राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी i plus i होगा 2i 2i is equal to pi times integration of sin x upon 1 plus sin x dx from 0 to pi. अभी यहाँ पे भी आपने एडजस्टमेंट करनी है What is the jugaad? It is 2i is equal to pi times integration from 0 to pi of 1 plus sin x minus 1 upon 1 plus sin x
I will do this adjustment. So this comes. एक सेकेंड इसको ठीक है. सो दिस इज पाई माइनर पाई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इधर जो बचा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इसको सेपरेट कर देते हैं. सो यू कैन सी हियर ये क्वांटिटी जो है ये तो हो रही 1. सो दिस इज pi into integration of 1 dx from 0 to 1 minus pi times integration of 1 upon 1 plus sin x from 0 to pi. इस second वाली केस जो है इसमें मैं adjustment करूंगा ऊपर और नीचे. I will multiply and divide by 1 minus sin x. मैं 1 minus sin x से adjustment करूंगा so that आप ये एडजस्टमेंट पहले ऊपर वाली स्टेप में भी कर सकते हो. ये पहला इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम 0 टू पाई माइनस पाई टाइम्स दिस इज 1 माइनस sin x अपॉन नीचे डिनोमिनेटर को देखो 1 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर x एंड 1 माइनस sin स्क्वायर x इज यस 1 minus sin square x is a cos square x. यहाँ पे limits भूल गया था. यहाँ पे limit लिखता हूँ. ये होगा 1 minus sin x upon cos square x. और आप इसके बाद में ये pi pi is a pi square minus pi times integration from 0 to pi of 1 upon cos square मतलब sec square x, sin x upon cos square x मतलब tan x sec x. ऐसा कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये आता है पाई स्क्वायर माइनस पाई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स इज अ टैन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेक एक्स टैन एक्स इज अ सेक एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई. अभी आप फिर वही करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर टू आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई इनटू टैन पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 minus sec 0. So, ये होता है pi square minus pi into tan pi is a 0, sec pi is a minus 1 minus minus tan 0 is 0 और sec 0 is 1. तो ये देखो, यहाँ पे इस bracket में हमें मिलता है इधर एक 1 इधर एक 1 दैट इज 2. सो माय इंटीग्रेंट 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई इनटू 2. सो आई गेट i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई अपॉन 2. इन दोनों से पाई अगर बाहर लिया जाए तो अंदर बचता है पाई बाय 2 माइनस 1. सो पाई टाइम्स पाई बाय 2 माइनस 1 विल बी योर फाइनल आंसर. आया आपके समझ में? अरे समझा या किसी कोई डाउट है? समझा सर. यस एनी डाउट देयर? किसी को कोई डाउट है इस सब में? नहीं सर समझा. समझा थैंक यू Thank you.
Copy this one. Hello. आपका कॉपी करके होगा? हाँ हाँ सर. Yes, is it done? Okay, we'll stop here.